रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको मैं जल्दी से एक बड़े ट्राउज़र से 5 साल की, ये बड़ा ट्राउज़र से 5 साल की छोटा ट्राउज़र बनाएंगे, वो भी बॉक्स प्लेट वाला। 5 साल की बच्ची का ट्राउज़र की कटिंग दिखाएंगे। ये इन्होंने निशान वगैरह लगा लिए हैं, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए, ये कंप्लीट पूरा ट्राउज़र है इसके साथ। अब वो नया छोटा बच्ची का कैसे ट्राउज़र बनाएंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट करें कटिंग। सिस्टर इसका बन सकता था, शर्ट्स बनाओ बच्ची की वो भी बन सकती थी, आप जो चीज़ चाहें तो बना सकते हैं, मगर ये है कि अभी हम इसको सिर्फ ट्राउज़र बनाएंगे क्योंकि इसकी शर्ट पड़ी हुई थी इस कलर में। ठीक है, लिहाजा इसका मतलब आप बना रही हूँ कि किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इसका ना शर्ट्स भी बना सकती हैं। ठीक है, अब आप कटिंग स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो कंप्लीट लेंथ है, सबसे पहले ये अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पूरी करेंगी। ये जो इधर से काट रहे हैं इतनी इनको लंबाई चाहिए ट्राउज़र की। नहीं, ये हम बेल्ट निकाल रहे हैं पहले। अच्छा, फिर बाल बाहर हिलाने से बेहतर है कि ये लेंथ है ऊपर वाली। अच्छा, बच्चों ने कंची बहुत ख़राब की हुई है। कोई बात नहीं क्योंकि हम कभी कभी बैठते हैं और वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया ना बेल्ट, अच्छा ऊपर लग जाएगी ना। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल ली है हमने। ठीक है, अब नीचे से इसका ये जितना हमने खुला रखना है। अच्छा, आपने वो किया है कि जो टांगों वाली साइड है वो ऊपर की साइड पे आ जाएगी? नहीं नहीं, जिस तरह था उसी तरह है ना। अच्छा अच्छा, उसी को आपने शार्ट किया। ठीक है ना, नीचे से पांचे निकल गए हैं, इधर से है ना। अच्छा अच्छा, ये वही आसन है ना। ठीक है, ओके, अब इस तरह हो गए। सही है, इसको हल्का सा हमने नीट कर लेना है क्योंकि पहले का होया हुआ है ना। हाँ, ये गोल शेप दी जा सकती है, ये इस तरह हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने निशान बनाया हुआ है ना जी, इस पर प्लेट बनेगी वो वाली, जिस तरह कमीज़ों पर प्लेट नहीं बनाते हैं, कमीज़ की फिटिंग के लिए प्लेट डालते हैं। ऊपर से आएगी ना इस तरह, नीचे से ऐसा तंग हो जाएगी। ठीक है ठीक है, इतना कपड़ा दब जाएगा इधर भी। ठीक है ठीक, और ये जो प्लेट है ना, ये निशान जो लगाया हुआ है इसका, यहाँ से टांका शुरू होके यहाँ आके टांका खत्म। ये वाली आप कटिंग नहीं कर रही? नहीं, कटिंग इसकी अब ख़त्म होगी। यहाँ हमने इधर तक टांका ख़त्म कर देना है और ये नीचे जो है ना, ये नीचे सारा खुद ही वो प्लेट बन जाएगी, बॉक्स प्लेट। ठीक है ठीक है, साथ साथ गोभी भी पक रही है, दूध भी बॉयल करके। ये बेल्ट और ये ट्राउज़र की फाइनल शेप। अब ये फटाफट अगर स्टिचिंग कर लें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट हो चुकी है, करें आप अपना काम करें जल्दी। ये देखें, ये जो है सिलाई सबसे पहले यहाँ तक लगा के यहीं से वापस ले आई है। ठीक है, ये इस तरीके से प्लेट डालिए। ठीक है, मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि यूँ ये प्लेटें आ जाएंगी इस जगह पे। नेक्स्ट क्या होता है वो भी बताती हूँ। दोनों आसन जोड़ लिए आपने, ये आसन लग गया, बेल्ट और ये ट्राउज़र साथ यूँ अटैच हो जाएगा। करें अटैच अब, ये इस तरीके से बेल्ट को, ट्राउज़र और बेल्ट को जोड़ रही हैं। कंप्लीट करें फिर दिखाती हूँ। हमारा ट्राउज़र अब बस फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इसकी दोनों पांचों को जोड़ के इसके बाद सिलाई लग चुकी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फुल ट्राउज़र, ये बेल्ट इस तरीके से अटैच की है, यहाँ पे प्लेटें इसलिए डालें ताकि तंग ना हो। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और ये रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो जगह है प्लेट की, इस जगह पे आप कोई भी बटन वगैरह इस तरह से कोई चीज़ भी दोनों साइडों पे लगाएंगे तो स्टाइल बन जाएगा। अभी हमने ये सोचा है कि नीचे हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, नीचे इसको पीको या कुछ ऐसा नीचे से करवाएंगे जिसकी वजह से ये इसकी एक और लुक आएगी। वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि नीचे मैं इसकी कौन सी वाली पीको करवा रही हूँ जिससे ये इसकी एक ख़ास शेप आ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये ट्राउज़र की कटिंग आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में। आप इस तरह बड़े ट्राउज़र से अपने बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए छोटे ट्राउज़र बना सकते हैं। इस तरह ये भी होता है कि चलें
अगर आपका दिल भर गया है, लेकिन जब आप अपनी बेटी को या कुछ दूसरे किसी के लिए भी बनाएं, बेटी के लिए बनाएं, तो आपको खुशी होती है कि आपने उसी चीज़ को दोबारा यूज़ किया। अभी ये सोच रहे हैं कि साइडों पे कौन से बटन लगाएं, तो वो देखती हैं कौन से वाले बटन लगाएंगी साथ। इस ट्राउज़र को टोटल स्टिचिंग में और कटिंग में टोटल हमारे तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट लग गए हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर, और ये है भी बहुत ईजी, समझ भी जल्दी आ जाता है, और सिलाई करने में बहुत मज़ा और खुशी भी बहुत महसूस होती है। क्या कहती है? फौरन फौरन तैयार हो गया। अभी इसको फिर मैं पहना के चेक करूँगी अपनी बेटी को। हाँ चलो आ गया, उसको भेजती हूँ अभी, इधर से पिको करा लाता है। हाँ, तो इसको शाम को ट्यूशन जाएगी, पहन के जाएगी। ये भी सही है, देखिए माओ को यही खुशी होती है जल्दी, ये बहुत जल्दी जल्दी स्टिचिंग कर देती है मेरे आने से पहले पहले। आज ये जो कर रही थी मैंने कहा आज मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिए। हाँ आज मैंने आपके साथ, आप सबके साथ भी मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर किया। अब रोजाना जो कहती थी। हाँ, अब नेक्स्ट आपको फ्रॉक की और शर्ट की कटिंग भी ये डिटेल में देंगी, काइंडली आप प्लीज़ इंशाल्लाह हाँ शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।